सो हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सराई डिजिटल नेटवर्क। सो आज सोचा कि थोड़ा सा गोप्रो का जो है मोटर ब्लॉगिंग टेस्ट कर लेगा, तो टेस्ट भी कर लेगा साथ साथ आपको कहीं ले जाएगा। ओबियसली थंबनेल एंड टाइटल से तो आपको मालूम चल गया, और ये मेरा भाई है कोचिन, पार्डन हिम फॉर हिज हेलमेट, इसका हेलमेट एक बच्चा ने तोड़ दिया। सो लेट्स गो, चो 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 ना। तो आई होप कि आप सभी को जो है मेरा नया एंगल जो पसंद आ रहा होगा। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि लाइक अभी तक हमको इसका जो केस नहीं मिला, तो इसका पता से क्या है, मेरा बैटरी जो है डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, सो अगर ज़्यादा बम्प्स वम्प्स हुआ तो गिरने का चांसेस है। सो होप ये नहीं होने से ठीक है। सो जितना भी बाइक में एक्सपीरियंस हो जाने से हम लाइक एक लिमिट से बाइक को चलाते हैं, बिकॉज हमको मेरा स्पीड और मेरा कैपेसिटी का पता है। और अभी जो है मेरा ऑडियो जो कैसे आ रहा है वो भी आप लोग हमको थोड़ा सा बता दो, बिकॉज हमको तो आइडिया नहीं है एस जे के एम का कंपेयर में। ओबियसली जो है मेरा जो है मतलब पहले से बहुत ज़्यादा स्क्रीन आ रहा होगा। पहले जो है मोटर ब्लॉग करते समय में ये बाइक का जो है सिर्फ ये शीशा दिखता था, ये जो साइड मिरर्स, एंड अभी आई गेस थोड़ा बाइक दिखाई दे रहा होगा और क्लस्टर व्लस्टर भी दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। सो गोप्रो का यही एक चीज़ जो सबसे अच्छा है कि इसमें मतलब लाइक वाइड एंगल बहुत अच्छा वाला है रेदर देन एस जे कैम। हम जो है ना उस दिन के लिए रुक रहे हैं जब हम थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएगा, एंड तब हम टूरिंग वूरिंग में जा सकेगा, सो देट हम आप सभी को भी दिखा सकेगा। मेरा लाइक बहुत मतलब इच्छा है कि हम घूमो बोल के, और हमको जो ना घूमने गाड़ी से पसंद नहीं है, हमको बाइक से टूरिंग करने का बहुत मन है। क्योंकि बाइक में क्या होता है बहुत अलग सा कंफर्ट, मतलब कंफर्ट बाइक में क्या होता है कंफर्ट नहीं मिलने से भी मतलब जब आप मोटर ब्लॉगिंग लोग करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है चीज़ ना, रेदर देन आप गाड़ी में बैठ के। सो जो बाइक हम चला रहे सेम है R15 वर्जन 2, एंड लाइक बाइक तो बहुत मतलब क्या बोलेगा निम्बल है, मतलब बॉडी के साथ डायरेक्टली एडजस्ट हो जाने वाला बाइक है, और आप इसको आराम से चला सकते कोई भी हो। हमको शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज हम जो है बुलेट चलाता था, एंड बुलेट में जो क्या है उसका जो आपको थ्रॉटल एक्सेलरेशन जो खोलना पड़ता है वो जो आराम से ऐसे खोलना पड़ता है, वेरस जो इसमें जो है इसका क्लच लॉक जो थोड़ा ओवर रेस्पॉन्सिव है, एग्रेसिव है, तो आपको थोड़ा सा मतलब एक झटका मिलता है शुरुआत शुरुआत में, सो आपको वो एडजस्ट करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बट अभी जो है हम पूरा मतलब हो गया मेरा पूरा मतलब हम सीख लिया, और अभी हमको प्रॉब्लम नहीं होता है। सो ये है दुर्गा मंदिर, फिर से एक बार बता दे रहे, पहले बताने नहीं मिला था अच्छा से। और यहाँ पे दुर्गा पूजा का समय में जो ना मतलब बोमदिला का लोग जो है यहाँ आके पूजा करते हैं। सो अभी हम लोग पहुँच गया 64, और मेरा भाई जो है पता नहीं हमसे कोसों दूर निकल गया होगा भी है, बिकॉज वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो लोग बाइक हमसे पहले से चला रहे हैं। यहाँ से आप ऊपर जाएगा तो आप वांगो बस्ती जाएगा, और वहाँ पे हमने एक वीडियो शूट किया था, आप सभी को याद होना चाहिए, वो इधर है। तो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, सो अभी फाइनली ये पकड़ में आया है, आगे से दिखाई नहीं दे रहा था। लेट्स सी, वो पीछे का टायर स्किड मार रहा मेरा। वो 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 सो यहाँ से अगर हम लोग राइट जाएगा तो हम लोग वही बाईपास हाईवे पकड़ते हैं। अगर आप लोग जैसे कि तवंग जा रहे हैं एंड आपको बोमदिला नहीं घुसना है तो आप ये वाला रास्ता यूज़ कर सकते हैं, ये डायरेक्टली बाईपास रोड है बोमदिला के लिए, जैसे नौगांव में नौगांव बाईपास वैसे बोमदिला के लिए बोमदिला बाईपास।
सो ये बाईपास तो है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है अगर आप लोग ये रास्ता नहीं चलने आदत है तो। सो बुलेट 500 चलाने के बाद R15 जो है थोड़ा सा अंडर पावर्ड महसूस होता है, बिकॉज बुलेट 500 में जो क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पहले बुलेट क्लासिक 500 चलाता था, तो उसमें क्या रहता था कि आप मतलब मोमेंटम इतना बना के चलने का ज़रूर नहीं था, जहां आपका लाइक मोमेंटम टूट जाता है वहां में एक डाउनशिफ्ट करके आपको खींच लेते। बट ये सब बाइक्स में ऐसा नहीं है, इसमें जो है आपको थोड़ा मोमेंटम बना के जाना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर आपको पिकअप जो है गिर जाते हैं एंड यू हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन। बट बुलेट इज़ बुलेट एंड R15 इज़ R15, दोनों को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दोनों का सेगमेंट अलग है, दोनों का सीसी अलग है, दोनों का मतलब बॉडी टाइप भी अलग है। R15 जो है मतलब रेस स्पोर्ट्स में आते हैं, वेरेस बुलेट जो है क्रूज़र में आते हैं टूरिंग के लिए। सो दोनों ही अलग सेगमेंट है और सीसी का डिफरेंस भी तो है 500 और 150, सो कंपेयर करके देखने से भी 350 का डिफरेंस आता है। सो यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको लाइक वही दिरंग बाईपास है, एंड इस तरफ जो है आप अगर जाने से ये वाला सॉरी यहाँ आप जाने से आप जाएगा बोमदिला कॉलेज का तरफ में, जो नया वाला जो बना है। सो नीचे से एक बार हमने आपको दिखाया होगा बोमदिला जाते समय रास्ता, तो वो यहाँ आके कनेक्ट होगा, और यहाँ से ऊपर जाने से जो है आपको बोमदिला कॉलेज मिल जाएगा। सो एग्जैक्टली ये वाला टर्निंग में पहले हम फंस गया था एक बार अपना डस्टर लेके आते समय में। क्या हो गया था कि लाइक डस्टर में जो मैट्स लगते हैं जैसे 70 मैट्स इस टाइप का मैट्स में, तो उसको अच्छे से अरेंज नहीं करने की वजह से जो है मतलब उसका जो क्या बोलेगा एक्सीलेटर में फंस गया था वो। सो उसका वजह से प्रॉब्लम होता, अच्छा था कि थोड़ा अप में था बोल के तकलीफ नहीं हुआ, डाउन होने से तो आप समझ ही सकते ओपे। As you can see, रास्ता थोड़ा ख़राब है, ये सब रास्ता लोग, और रास्ता छोटा भी है। सो ये सब रास्ता लोग में जो है आप जब आएगा तो आराम से आओ, बिकॉज छोटा रास्ता है जैसे कि आप देख पा रहे, तो दो गाड़ी लोग आ जाएगा तो थोड़ा तकलीफ़ होने का चांसेस है। और जैसे आप देख पा रहे मतलब है तो ये मतलब ये तो कुछ डेकोरेशन तो नहीं, बट बहुत अलग सा सुंदर है ना रास्ता, अलग सा ग्रीनरी ग्रीनरी करके। अभी जो है ना मेरा कैमरा थोड़ा सा ना यहाँ का ब्यूटी को जस्टिफाई कर पाएगा, बिकॉज GoPro है ना तो थोड़ा सा कर पाएगा। सो फाइनली अभी हम लोग पहुँचने वाला है बोमदिला कॉलेज। पहले जो है ये बोमदिला कॉलेज जो है ये ट्रेजरी ऑफिस का ऑपोजिट में था, बट अभी उसको जो है शिफ्ट करके यहाँ ला दिया। अगर ट्रेजरी नहीं पता तो पकड़ लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कॉलेज तो ये है ना, तो रुको ओके। सो दिस इज़ बोमदिला कॉलेज। सो यहाँ देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला 79001 वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। ओके सो ये जो है बोमदिला कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है आई गेस, और नीचे में आगे जब हम लोग ने क्रॉस किया तो नीचे में बॉयज़ हॉस्टल था, और ऐसे ही करके मतलब यहाँ यहाँ कहीं में जो मतलब पूरा मतलब क्या है एरिया लोग जो फैला है, मतलब होता है ना कंपाउंड जो थोड़ा बड़ा ही है इसका।
डोंट माइंड, हम मेरा DSLR जो है घर में छोड़ दिया, बिकॉज मेरा प्लान नहीं था व्लॉगिंग करने का। एंड या बाल काट दिया और अपना पुराना स्टाइल में आ गया। ये मेरा सिग्नेचर हेयर कट, 3 arrows। पहले हम बहुत रखता था, उस समय हम व्लॉगिंग नहीं करता था। एंड मतलब बोमदिला कॉलेज जो है बनाया तो बनाया, अच्छा जगह में बनाया। और आप पीछे देख सकते हैं पूरा जो है फॉग से कवर्ड अप हो चुका है। ऐसा अभी ये कॉलेज के अंदर हम जाके आपको कुछ दिखा नहीं सकते, बिकॉज अभी सब कुछ बंद है ना। एंड यहाँ कोई है भी नहीं जिसको हम पूछ के लाइक बता सकते हैं। और ये कॉलेज अभी मतलब खुल के इसको चलन के मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, शायद 1 से 2 साल ही हुआ है। 2 साल भी हुआ कि नहीं हुआ वो भी श्योर नहीं है, बिकॉज हाल ही रिसेंटली में ही शुरू हुआ। यहाँ पे हम अपना एक एग्ज़ाम देने भी आया था। एंड वैसे तो ये बोमदिला कॉलेज नाम है, बट ये बोमदिला कॉलेज जो है ना, हम लोग का जो वांगहू का मतलब लैंड में आता है, हम लोग का जब नाना जी के समय में ये लैंड को जो है लिया गया था, तो जब यहाँ पे कॉलेज खोलेगा बोला तो नाना जी लोग भी खुश हो गए, हाँ कुछ एजुकेशन का चीज़ होगा बोल के मतलब। बाद उसके बाद जो है फिर मतलब साइन वाइन लेके चला गया। सो जो भी हो जैसा भी हो, हम लोग को तो सब पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली अपना चीज़ अपना को पता है। सो आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और साथ ही साथ जो GoPro का जो हमने आपको शॉर्ट्स दिखाया था आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक हमने तो देखा नहीं है, बट फिर भी मेरा एजम्पशन है। और अभी क्या करेगा, अभी जाएगा घर, बिकॉज अभी 4:20 हो गया एंड घर यहाँ से दूर तो है। और यहाँ में है मेरा भाई कोचिन। सो एनीवेज, होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सराय डिजिटल नेटवर्क चैनल। टिल देन साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क, goodbye. Hello guys, hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Sarai Digital Network channel and also hit the bell icon. Also follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Signing off.